तुसे ठीक हो? मैनू तुसे ठीक नहीं लग। हाथ हटाओ, हाथ तोड़ दूंगी मैं थोड़ा। अवनी बच्चे मैं तोड़ना इन्ने प्यार ना गल कर रही है, तुसे मेरे ना इद्दा गल कर रहे हो। ऐसी गल करूंगी तुसे की कर लोगे? हुण जे अंबर आ जाए ना तो हुणे सब कुछ प्रूव हो जाएगा, पता नहीं कित्थे रह गए। साइडो मैं जाना नहीं हटांगी। की कर लेंगी? मारेंगी मैनू? जान लेंगी मेरी? बोल की कर लेंगी? गला फड़ेंगी मेरा? फड़। जो जो बोलना बोल लो मम्मी जी, एक बारी जे अकृति नू दवाई तेरे क्वार्टर मिल गया ना तो मुंह बंद करा देंगे मैं थोड़े सारे आंदे। की गल डर गई अम्मी? गला फड़ना सी ना मेरा, फड़ हुण। जे चौंदी रहना ना तो मैनू मारना पड़ेगा। नहीं तुसी मैनू नहीं मार सकते, कोशिश करो तो पहले मैं खानू। अवनी ये की करो तुसी? अवनी मेरा गला छोड़ो। अवनी आ मेरा गला छोड़। अवनी बच्चे बच्चे की करो तुसी? आ अम्मी मांगू छट। अम्मी अम्मी मांगू छट। अम्मी मां अम्मी तेन सुन नहीं रहा? मांगू छट। अम्मी छट। अम्मी ऐसे छट। अम्मी एक ही कर रही है, छट मेरी बहन नु। अम्मी तेन तेरा दिमाग खराब हो गया? तू मॉम नु मारने की कोशिश कर रही है? Are you okay? मॉम तू ठीक हो? मैं ठीक है बच्ची। चंगा किया अंबर तू आ गया। आ देख अवनी तो मेरी भैन मारन ही लगी सी, एनू पुछ की दुश्मनी मेरी भैन नाल? नहीं नहीं टीका जी, ओदी कोई गलती नहीं है, ओदी तबीयत ठीक नहीं है। ओम गलत तबीयत दी नहीं है, एदा दिमाग ठीक नहीं है। ए पहले लालची तां सीगी पर हुण मर्डरर भी हो चुकी है। तो ना प्लीज की हो गया थोनू? टिशू दी देखो ना दी। आकृति पानी लेके आ छेती। हाँ मैं लेके आनी। अवनी अवनी उठ, आकृति छेती आई दी। दो मिनट अवनी अवनी आलो। अवनी उठ दी, उठ जाओ ना प्लीज। अवनी अवनी उठ ना। अवनी अवनी अमनी नु की होया? अंगद जी डॉक्टर नु कॉल करो। हाँ डॉक्टर। आतिशा ये बेहोश की में होगी? वीर जी ये पहली बार बेहोश नहीं हुई, ओदो जदो तुसी मेरे तो पूछया सी ओदो भी अमनी बेहोश हो गई सी। हाँ वो तो तुसी दस्या सीगा, पर बेहोश की में हुई सी? मेनू नहीं पता वीर जी। अवनी अवनी अंबर बच्चे अवनी नु की होया? मॉम पता नहीं अवनी किवें बेहोश हो गई। अंकल जी कॉल करो डॉक्टर नु। हेलो डॉक्टर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक मिनट। अवनी उठ क्यों नहीं रही आकृति जी? अवनी डॉक्टर सब ठीक है ना? हमनी नु होया की है? चलो आप ही सही सवाल पूछ ले अंबर ने, हुन डॉक्टर नु पागल कहना सौखा हो जूगा। सिचुएशन थोड़ी सीरियस है मिस्टर अंबर।
व्हाट? पर होया क्या डॉक्टर? पेशेंट को स्ट्रॉन्ग दवाई दी गई है। वो दवाई ही इन्हें गुस्से अते अजीब बिहेवियर का कारण है। ठीक है, तू उसका क्या से डॉक्टर खरीदे होया? एक ही बकवास कर रहा है। स्ट्रॉन्ग दवाई? I mean, केड़ी दवाई? उस दवाई बारे तो असि भी कुछ नहीं कह सकते, पर मैं तुम्हें तो कुछ दवाई लिख के दे रहा हूं, उन्होंने इन्होंने जरूर आराम पवेगा। बाकी अगे तुम इन्हों का पूरा ध्यान रखो। सारे अवनी तू फिर तो बेहोश हो गई सी। हाँ, और डॉक्टर ने कहा है कि तुहानू किसी ने स्ट्रॉन्ग दवाई दिती है। कुछ याद है किसने दिती सी? मैनू इहदे विच कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो घर च कोई दवाई दे रहा है तो जरूर मिलूंगी। इनफैक्ट मैं तो कहना है कि जिदे भी रूम च दवाई मिलेगी ना उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। हाँ जी पापा जी, तुसी बिल्कुल सही कह रहे हो। सानू ना एक एक करके सारे दे रूम चेक करने पैने। चलो पहले मेरे रूम तो स्टार्ट कर दें। ठीक है, चलो आज। क्यों मम्मी जी, पै की ना की उल्टी? सोचता तुसी रहे होंगे कि डॉक्टर ने साढ़े हक की गल क्यों की है, जबकि पैसे तो तुसी दिते सी, है ना? अच्छा, तो तेनू पता लग गया कि डॉक्टर खरीदे होया सी। होर की, ताही तो असी डॉक्टर नू बदलिया। ए ओ नहीं सी जेड़ा तुसी खरीदिया होया सी, ए ओ सी जो विकाऊ नहीं है। वैसे अपने घर से थोड़ा भांडा फोड़न लिए किन्ने उतावले हो रहे हैं ना। वैसे ना मैं थोड़ा सस्पेंस खराब नहीं करना चाह रही थी, पर मैं तो कंट्रोल नहीं हो रहा। दवाई थोड़े ही कपबोर्ड चो मिलेगी? नहीं मिलेगी, मैं तो तुम दवाई दीती ही नहीं। मैं रखी तो उत्थे ही मिलेगी। चलो मम्मी जी, दवाई लभन सब दी हेल्प करो। चलो की सोच रहे हो? पता क्यों? क्योंकि तू झूठ बोल रही है। ये पर्स भी तेरा है ते दवाई भी तेरी है। व्हाट? जे कोई होर नहीं लभ्या तो सारा ब्लेम मेरे ते पा दोगे? मैं क्या ने पर्स मेरा नहीं है। कृति की होया? आ देखो दी।
चार। तू तो कह रही सी कि ये दवाई तेरी नहीं है, फिर आ की है? चाहत, ये वीडियो तो सच्ची होएगी ना? क्या ये भी झूठी है? नहीं, ये मैं नहीं हैगी, ये कोई होर है। क्या हाथे बेवकूफियां करके सानू बेवकूफ बनाने की कोशिश ना कर। इस वीडियो साफ देख रहे हैं कि ये तू है। सचो सच दस दे चाहत, ये की हो रहा है? मैं क्या ना ब्रो, मैंने कुछ नहीं पता, मैंने ना पक्का कोई फसाने की कोशिश कर रहा है। ये वीडियो एडिट की हुई है, मैं नहीं हैगी। वो बस भी कर चाहत, तेन क्यों कोई फसाऊगा ते किस लिए? इतने दुश्मनी की है तेरी किसी नाल? दक्षी, लड़न की कोई लोड़ नहीं है, सानू उसी डॉक्टर नू बुलाना पैना जिन्हें अवनी का चेकअप किया सी। नाले हल्दी विच मिलावट वाली गल, अवनी दी कही हुई हर एक गल सच्ची सी? नहीं नहीं, व्याह विच जो कुछ भी होया वो भी मैंने किया, वो सब प्लान था। चाहत, तू अगड्रू हासिल करने वास्ते इतनी हद तक पहुंच गई कि मेरा सारा घर बर्बाद करता, शर्म नहीं आई तेनू? मतलब अम्मी सब सच बोल रही थी, तो मैं ही ओदा यकीन नहीं कर रही थी? अम्मी ने एक और सच कहा तिशु, उस झूठे पंडित बारे, है ना अम्मी? हाँ दीदी, वो पंडित असल विच पंडित नहीं सी, उन्हें बस थोनू एक दूजे तो दूर रखन लई वो सब बोलिया सी। नाले थोड़े नेड़े जाने नाल अंगद की मौत नहीं होएगी दी, उन्हें थोड़े विश्वास का फायदा चुकया। पैसे मैनू इन्होंने दिते, मैं सच्ची दस रहा, इन्होंने ही मैं पैसे दिते सी। इन्होंने ये भी किया सी वो इस बेरे तो दूर रहन, ते इन्हां विच गलत फहमियां पैदा होन। पंडित जी, तुसीं झूठ क्यों बोल रहे? ए पंडित झूठ क्यों बोल रहे? मम्मी जी का नाम क्यों नहीं लिया इन्हें? इन्हां भोलियां नूं कौन समझावे टिक्के? जदों किसे दे मूंह विच पैसा पईदा ना, फिर ओही निकलदा जो पैसे देण वाला चाहुंदा। एक मिंट, तुसीं चाहत दा नाम क्यों लै रहे हो? क्योंकि चाहत ही है, बहुत चंगी तरह जानदी हां मैं। अंगद नूं पाल लई ना, किसी भी हद तक जा सकती है। मैं कह रही हूं मैं कुछ नहीं कीता। चाहत चुप कर।
चंगा जी मैं चलता। जे थप्पड़ तेनू मम्मी पापा ने पहला लाया होंदा ना ते आज तू एदा साडा सर नीवाना करदी चाहत। मैं कह रही हूं कि मैं कुछ नहीं कीता। मैं सच कह रही हूं मैं कुछ नहीं कीता। प्लीज मेरे यकीन करो। सच तेरा सच तो मैनू मम्मी जी ने पहले ही दस दिता सी चाहत। दसा तेरा सच की है? तेरा सच ये है कि तू अंगद ते आतिशा का ब्याह रोकने लिए अंबर गुरु नू जेल च भेजा सी। What? इहदा मतलब जिहड़ा मेरे ते केस होया सी वो अमनी करके नहीं चाहत करके होया सी। हाँ ठीक है माया कपूर नहीं फसी बट थोड़े तो सारे इल्जाम हट ही गए ना। हाँ कृति पर उसे लिए मैंने किन्ने सबूत ते गवाह भी तो दिखाने पे। चाच एक भी चीज मेरे खिलाफ होंगी ना थंबर ने ओही सच मान लेनी सी ते बाकी सब इग्नोर कर देना सी। जो भी मेरे खिलाफ है अंबर लिए हमेशा ओही सच होंदा है। अम्मी तुसी फिर आ गए साढ़े कोल होर कोई सबूत नहीं है थानू दिखाने मिस्टर कपूर। ओ अच्छा किसे होर नू सॉरी कहना होना तुसी है ना। बोलो किनू कहना है। आकृति थ्रोक नू इतों लेके जा बेचारे मैंने सच्ची साबित करन लिया आए सी ते पता लगे अंबर कपूर ये कह रहे हो कि असे कोई नवा प्लान बना रहे इस कार के खिलाफ। अम्मी मेरे कहने का मतलब वो नहीं सी। आई एम सॉरी अंबर थोड़े कहने का मतलब जो भी सी मैं इंटरेस्टेड नहीं है। शुक्र कर दी उस रब का कि उसने मेरी सुनी नहीं। मैं तो थोड़ा भोला जा फेस देख रही थी मैंने की पता कि तुसी एहो जिहे हो। तुहानू सारिआं नू लगदा ना मैं गलता मेरी फैमिली किसे नू मेरे ते ट्रस्ट नहीं है। क्रिमिनल नू तां जीण दा कोई हक नहीं हुंदा। किसे क्रिमिनल नू जीण दा हक नहीं है। मैनू कोई होर सजा देवे इस तो पहले मैंने अपने आप को कुछ सजा नहीं देनी चाहिए है। मैं मर जाना चाहिए मैं तो मर जाऊंगी। हे माता रानी प्लीज चाहत नू बचा लो। मैनू पता है उन्हें अज तक बहुत गलतियां कीतियां ने पर उन्हें जो कुछ भी कीता अपने प्यार लिए कीता है उन्हें अंगत लिए कीता है। मैनू पता है उन्हें मेरे नाल भी बहुत कुछ कीता है पर मैं उहदे लिए उन्हें माफ कर चुकी हाँ। प्लीज माता रानी तुसी भी उन्हें माफ कर लो। प्लीज बचा दो उन्हें। जिन्हें तेरे खिलाफ साजिशा की थी तो वो लंबी उम्र की दुआ कर रही है। और क्यों? क्योंकि रिश्ते गलतियां तो ज्यादा जरूरी होंगे ने अंबर चाहे वो जितना भी है
है तो मेरी भैन ही ना, चाहे ओनू मैं पसंद नहीं, पर मेरे लिए इन्नी भी बुरी नहीं है कि मैं ओदी मौत चाहूं। वैसे भी मैनू किसी की गल सुन के एवं किसी ब्लेम नहीं करना आता। तेरा गुस्सा होना ते नाराज भी जायज है उन्हें, पर मैं वही किया जो मेरे सामने सी, जो मैं नजर आ रहा सी, मेरा रिएक्शन भी उसी तरह सी, कुछ जानबूझ के नहीं किया। कई बार ना आँखा नाल देखी ते कन्ना ना सुनी गल भी गलत हो सकती है मिस्टर कपूर, इसलिए रिश्ते दिल नाल निभाने पैंदे ने। पर छड्डो, थोड़े कोल होएगा तां तुसीं रिश्ता निभाओगे ना। रिश्तिया की नहीं यकीन होंगी है, पर थानू नहीं है। तू सही कह रही है अम्मी, मैं तेरे ते यकीन करने लिए सबूतों का सहारा लिया, मैं रिश्ता नहीं निभा पाई अम्मी। मैं पता नहीं तेरे ते कहो जे शक किते ते की इंजाम लाए तेरे ते। नहीं थी थोड़ी गल अलग है, यकीन ते डर थोड़े ते हावी हो गया सी। इस डर विच किते किते अंकल नूं कुछ हो ना जावे। इसी तरह एक दूसरे तो मुंह फेर के खड़े होते रहेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व किदा होएगी अम्मी? मैं तेरे नाल गल करनी है। हल्ले भी कुछ कहना बाकी है? ठीक है, बोलो की कहना है। अपनी सानू दो बार ना एक दूसरे को समझ ना पाएगा ता ही सब सही होएगा। ते मेरी जगह ते खड़े हो के वेख, तेनू सब समझ आएगा। तू ठीक है, पर मैं भी गलत नहीं सी अम्मी। तू अपने आप सोच ना, पहले वो पेपर्स वाली गल, उस तो बाद फोन ते बेवकूफ बनाने वाली गल, फिर सारे घरदियां ने इन्ने गुस्से च गल करने वाली गल, रोब जमान वाली गल, इस तो अलावा भी बहुत गल्लां होईयां अपनी, इत्थों तक कि तू ते मॉम ना भी। मैं कितना यकीन कर लेना सब कुछ देखते हुए भी अखा किवें बंद कर लेता अपनी। मतलब थानू कोई भी कुछ भी आके बोले या मेरे खिलाफ कोई भी सबूत दिखावे तो तुसी मान लोगे? फिर ते यकीन किथे है? फिर जदों मैं थोड़ी मॉम के खिलाफ इन्ना कुछ बोल रही सी उदों तां तुसी सबूत मंगिया नहीं उन्हां तों। क्यों? क्योंकि थानू उन्हां ते यकीन सी मेरे ते नहीं है। बिना भरोसे का रिश्ता जहर वर्गा लगता है अंबर, इंसान अंतरों अंदर ही खत्म कर देता है। तुसी कहंदे सी ना कि मेरे दिल विच थोड़े लिए प्यार नहीं है, मेरी तो गलती ये थी कि मैं बस प्यार ही तो कीता थोड़े नाल। एग्जैक्टली ते यही सेम चीज तुसी मॉम ते भी अप्लाई करोगे? यस ब्रो, यही गलत अवनी तुहानू कहना चाह रही हूँ। तुसी मॉम तो कोई प्रूफ नहीं मंगोगे,
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਡੈਡ ਤੇ ਅੰਗਦ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੋਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਤੇ ਬਰੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਯਕੀਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਅਵਨੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਵਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਚਾਹਤ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਚਾਹਤ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਰੋ ਕਿ ਉਹ ਮੋਮ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ? ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਮਨੀ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬ੍ਰੋ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ। ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਟਿੱਕੇ, ਚਾਤ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਚਾਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੰਦੀ ਫੇਰ? ਜੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਪੈਣੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਰੱਖ ਕੇ, ਜੇ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਟਿੱਕੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਅਵਨੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਫਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਨਾ ਅਵਨੀ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਤਿਸ਼ਾ। ਆਤਿਸ਼ਾ ਤੇ ਅੰਗਦ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਵਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਵਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਹੈ ਟਿੱਕੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਬ੍ਰੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਸ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੋ ਪਰ ਕੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਨੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਿਉਂ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਬ੍ਰੋ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਪਰ ਵਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਐਫਰਟਸ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਪਾਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਵਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਖਣ ਗਈ ਨਾ, ਅਵਨੀ ਮੰਨ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਵਨੀ ਆਏਗੀ ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
जरूर आएगी क्योंकि उन्होंने आ क्या वा कि इतने सानू किसी क्लाइंट ने मिलना है। सो जे मैनू मिलन ना आवे पर क्लाइंट करके तो आएगी ना। सब तो पहले ना मैं उन्हें ये रोजेस दूंगा, उस तो बाद रहें फिर तू ना एक केक लेके आ जी, उस तो बाद ना उन्हें मैं एक पोएट्री सुना के प्रपोज कर दूंगा। सो इत बैठे कर की रहे हो, जाके लुको वो ध्यान का टाइम हो गया। मैं पहली बार ब्रो नूं इन्ना प्रोएक्टिव देख रहा, शुक्र है उन्होंने भी प्यार का एहसास होया। ये की कर रहे हो ब्रो, जिथे तुहानू अवनी नाल बैठ के मैच्योरिटी नाल गल करनी चाहिए है, तुसी फिर बच्चियां वांगू शौक दे चक्कर च पै गए। अवनी नूं इस टाइम फैंसी प्रपोजल नहीं चाहिए, तुहाडा भरोसा ते अंडरस्टैंडिंग चाहिए है।